हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। प्रेशर कुकर के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रेशर कुकर में जो सीटी बजती है उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, और क्या आप जानते हो कि आखिरकार इस प्रेशर कुकर को इन्वेंट करने वाला पहला इंसान कौन था? वो कौन था इंसान जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि आखिरकार खाने को इस तरह से भी पकाया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं प्रेशर कुकर के आविष्कार के पीछे क्या रहस्य है। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड वीडियो हर हफ्ते इसी तरह लाते रहता हूं। प्रेशर कुकर में खाना हाई प्रेशर, स्टीम और हीट के साथ पकता है, जिससे कम समय में खाना काफी अच्छी तरह से कुक होकर बन के रेडी हो जाता है। आज के समय हर घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खाना आसानी से 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में जल्दी से पक जाता है और खाने की टेस्ट और क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिरकार इस प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था, वो कौन इंसान था जिसने प्रेशर कुकर को इंसान के सामने पहली बार रखा था। प्रेशर कुकर का आविष्कार कहा जाता है डेनिस पापिन ने किया था। वो एक फ्रेंच फिजिक्स वैज्ञानिक थे और उनका जन्म आज से तकरीबन 375 साल पहले सन 1647 में फ्रांस में हुआ था, और ये पहले इंसान थे जिसने इंसानों के सामने प्रेशर कुकर को प्रेजेंट किया था। और एक बात आपको ये बता दूं कि जब ये प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था डेनिस पापिन ने, तब उन्होंने इसका नाम प्रेशर कुकर नहीं रखा था, उन्होंने इसका नाम स्टीम डाइजेस्टर रखा था। इस इन्वेंशन को पूरा करने के बाद डेनिस पेपिन ने डाइजेस्टर को लंदन की रॉयल सोसाइटी के एग्जीबिशन में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था, और कहा जाता है कि वहां पे मौजूद सभी लोगों को ये काफी पसंद भी आया, और इसी के साथ इनका ये आविष्कार काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसे आज दुनिया के हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। डेनिस पापिन ने प्रेशर कुकर का इन्वेंट सन 1679 को किया गया था। उस समय हर कोई इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं करता था, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। धीरे धीरे प्रेशर कुकर का डिजाइन बदला गया और साल 1915 में इस प्रेशर कुकर का नाम रखा गया प्रेशर कुकर, क्योंकि इसके पहले इसका नाम स्टीम डाइजेस्टर था। उसके बाद इसे हर घर में लगभग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको पता है प्रेशर कुकर को भारत में कब लाया गया था? कहा जाता है प्रेशर कुकर को 20वीं सेंचुरी तक भारत में लाया गया था, और इसका उपयोग धीरे धीरे पूरे भारत में फैला गया और आज हर घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और टाइम मिले तो थोड़ा बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन भी अच्छी तरह से मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।